वेलकम बैक फेलो फूड गीक्स, आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सोया टिक्का, तंदूरी टिक्का। जी हाँ, असली तंदूर में नहीं, हम इसे बनाएंगे अवन में, आप गैस में भी बना सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी है, आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली हैं 7 से 8 चापें। ये चापों की रेसिपी मैंने पहले सोया मलाई चाप में आपको दिखाई थी, आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, वो बहुत बढ़िया होती हैं। घर में मेहनत लगती है तो आपकी मर्ज़ी है, 8 चापें ले लीजिए। ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के थॉ करके पोंछी हैं और अब मैं इन्हें अच्छे से पैन में भूनूंगी। मैंने हल्का सा तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ नीचे लग जाए पैन में बस, और इनको बस हिला के थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ब्राउन जो है हर तरफ आ जाए। हो सकता है आप सोया पसंद नहीं करते, तब आप पनीर के लिए भी ये रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टोफू है तो किसी भी तरह का प्रोटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सब्जी से भी बना सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, ब्रोकली से भी बना सकते हैं। तो इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सोया वैसे बहुत न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन से भरा हुआ होता है और ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर सोया एलर्जी ना हो तो इवन नॉन वेजिटेरियंस इसको ट्राई कर सकते हैं, खाने में ये बहुत ही डिलिशियस होता है उनको, तो स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडे को ये बहुत ही डिलिशियस लगेगा। तो अब इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़े मॉइस्ट रहें, पक चुके हैं ये। और उसके हल्के से सिम पे गैस अभी भी रखी हुई है मैंने। और चलिए तब तक एक मसाला है बना लेते हैं। इसके लिए थोड़े धनिया के स्टेम्स लिए हैं, 2-4 हरी मिर्चें ले लीजिए, 1.5 इंच पीस अदरक का अंदाजे से, कुछ लहसुन ले लीजिए, लहसुन की तुरियां। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, इसको पीस लेंगे। सिलबट्टे पे पीसिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं, ओखली में पीस सकते हैं, जो आपके पास हो। मेरे पास मोटर पेसल है, मैं इसमें पीस रही हूँ, ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद अलग ही होता है। और 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे और ये पिस गया, देखिए कितना बढ़िया पिस गया है। और ये जान होता है तंदूरी मसाले का कि अच्छा। तो अब इसमें से हम ये चापे निकाल लेंगे और इस पैन के अंदर, पैन अभी गैस पे है, सिम पे, हम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे बेसन के और बेसन को भून लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस तेज़ ना हो, नहीं तो बेसन जल जाएगा। और भून के इसे निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ हमारे जो चाप हैं इनमें से हम अपने आइसक्रीम स्टिक्स निकाल देते हैं और उसके बाद हम इसे 1 इंच पीस में काट लेंगे। इस 1-1 इंच के पीस बना के सारे काट लेते हैं, ऐसे काटिए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और रेसिपी एंड तक देखिए समझने के लिए। यहाँ मैंने 1/2 कप चीज़ लिया है, आप किसी भी तरह का चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड कोई भी, जो भी आपके पास हो। यहाँ 3/4 कप दही लिया है, गाढ़ा दही है, और इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ दिया है। अब इसमें तंदूरी मसाला डलेगा 3 चम्मच, मेरे पास शान का है, आप किसी भी कंपनी का चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट बढ़िया ही होगा। यहाँ पे हम अपनी ये जो पेस्ट हमने बनाई थी धनिया अदरक लहसुन की और मिर्ची की, वो डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा अच्छा ही रखा है मैंने क्योंकि मैरिनेड है ये, और मैंने चाप में नमक डाला भी नहीं है। और ये मेरे पास पुदीना है, 2 चम्मच छोटे चम्मच पुदीना सूखा हुआ, इसको मैं हाथ में मसल के डाल दूंगी। अगर आप पुदीना आपके पास ताज़ा है तो आप काट के बारीक वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये हमारी मैरिनेट तैयार है और इसमें हम मैरिनेट करेंगे अपने सोया को और अपने शिमला मिर्च को और प्याज को। तो मैंने इसमें सोया डालूंगी, ये देखिए पीली और हरी शिमला मिर्च भी मैंने ले ली है, प्याज की जगह नहीं थी, प्याज बाद में लूंगी। 1 पीली शिमला मिर्च ली है और 2 हरी शिमला मिर्च ली है मैंने, और स्क्वायर में पीस काट ली है, चौरस पीस काट लिए हैं अंदाजे से, जैसे आपने सीख में रखने हैं। और मैंने अपनी सीख भी भिगो के रख दी है क्योंकि सीख जो है जल जाती है नहीं तो। देखिए अभी छोटा पड़ रहा था बर्तन तो मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, और जो मेरे गुमशुदा प्याज थे उनको बुला लिया जाए, ये रहे 2 प्याज छोटे थे तो मैंने 2 लिए हैं, बड़ा हो तो 1 ही लीजिए। और ये प्याज, शिमला मिर्च, सोयाबीन की जो हमारे कटे हुए पीस हैं, पीली शिमला मिर्च, सब हम इसमें डाल देंगे। और इस मैरिनेट को कम से कम 2 घंटे रखिए फ्रिज में, ये मेरी सजेशन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जैसे अगर सुबह आपने काठी रोल में डालना है ये टिक्का तो रात को रख सकते हैं, और अगर शाम को खाना है तो सुबह भी कर सकते हैं,
दो घंटे मिनिमम। तो इसे दो घंटे रखने के बाद, यह अब ज़्यादा ही हो चुका है टाइम, तो ये हम देख लेते हैं, ये अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। ये हमारे सीख भी भीगे हुए थे जो हमारे बैम्बू के स्क्यूअर्स थे, और अब एक फॉइल लगा लेंगे अपनी ट्रे पे। और मैंने अपना अवन का ब्रॉयलर ऑन कर दिया है, आप चाहे इसे ग्रिल में भी पका सकते हैं, चाहे तो आप तंदूर में पका सकते हैं, गैस पे डायरेक्ट पका सकते हैं, तवे पे रख सकते हैं। जैसे मैंने बर्गर बनाए थे रेसिपी में, आप उसको OTG को यूज़ कर सकते हैं या ग्रिलिंग मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं। कि देखिए कितनी सारी चॉइसेस हैं। तो छेद वाली साइड हम सीख में नहीं डालते, इसे हम 20 मिनट में पका लेंगे, क्योंकि वो फिर गोल गोल घूमने लगती है। तो अब इसे हम 20 मिनट ब्रॉयलर के नीचे रख के, ये देखिए आ गया। हमें घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि चीज़ अपने आप मॉइस्चर छोड़ता है, और दही भी। ये इतने सॉफ्ट हैं, आप बनाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला लगाइए, नींबू का रस डालिए, हरी चटनी और प्याज के साथ, चिल्ड प्याज ठंडे पानी में डले हुए, सर्व कीजिए। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने बनाया तो कैसा बना। तो और रेसिपी कोई देखना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं वो रेसिपी आपके लिए बनाऊँगी। ये जो है मेरे पास 8 के आसपास सीख बने थे, और 3 मैंने अगले दिन काठी रोल के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आप उसकी रेसिपी भी देखना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। तो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आपको पता चलेगा हर नई रेसिपी का, और शेयर करेंगे तो शेयर करने से तो हमेशा नॉलेज बढ़ती ही है, जितना बांटो उतना अच्छा। तो वापस आइएगा, क्योंकि अभी मेरे पिटारे में और बहुत कुछ है। बाय।